हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग जहां होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और संपन्न होंगे। इसी तरह खुशियां बांटते रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं आशी और स्वागत करती हूं आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। और इस बार का जो हमारा सेशन रहने वाला है, टैरो सेशन, वो होने वाला है आने वाला मंथ यानी कि अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या आपको एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो हम टैरो के अलावा एंजल्स के मैसेजेस के थ्रू जान पाएंगे। हमेशा की तरह तीन पाइल्स हैं, तीन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पसंद आए तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या डायरेक्ट कर रही है, ठीक है। जो गाइडेंस आपको मिलता है अंदर से वही सिलेक्ट कीजिएगा। इत्मीनान से आंखें बंद करके और अपने एंजल्स को याद करके जहाँ भी आपको कनेक्टिविटी फील होती है, आपको लगता है कि ये मुझे पाइल चूज़ करना है, तो वही आप सिलेक्ट कीजिएगा। पाइल सिलेक्शन हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको बताया है, हमेशा से बताती आई हूँ वैसे ही करना है। हम अगर लगता है कि मुझे रीडिंग के लिए जम करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूँगी और जो मेरी डिटेल्स हैं सारे सोशल मीडिया की, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पास से पाइल्स दिखा देती हूँ और आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज करके आप अपनी पाइल्स को आराम से चूज़ कीजिएगा। ओके, सो विश यू गुड लक और हम चलते हैं पाइल सिलेक्शन के लिए। सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों ने अपनी अपनी पाइल्स अच्छे से सिलेक्ट कर ली हैं। मैं पास से आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज़ पाइल वन, दिस इज़ पाइल टू, ये पाइल टू है एंड दिस इज़ पाइल थ्री। तीनों में से आपको जो भी ग्रुप अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन इसी पर डिपेंड करता है। ओके, सो हम देख लेते हैं ग्रुप नंबर वन यानी कि पाइल नंबर के लिए क्या रहने वाला है अक्टूबर मंथ में। चलते हैं ग्रुप नंबर वन के लिए। दोस्तों चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर वन के लिए क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइल नंबर वन, ओ माय गॉड, बियॉन्ड इल्यूजन आपका ये समय रहने वाला है। दिस इज़ बियॉन्ड इल्यूजन, पहला कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत समय से आप किसी इंसान का, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे और उस पर्सन के इंतज़ार में आपने काफ़ी जद्दोजहद की है, काफ़ी परेशानियाँ उठाई हैं। वो जो इंसान है वो आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल नहीं है। आप उसकी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते हैं, तो जी हाँ, अक्टूबर का जो मंथ है मुझे लग रहा है कि आपके अक्टूबर महीने में उस इंसान की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। कहीं ना कहीं सामने से आपको सपोर्ट आएगा। होता है ना कि हम कई बार सोचते हैं कि सामने की साइड से हमको सपोर्ट ऐसा मिले कि हमको कुछ कहना भी ना पड़े और सामने वाला खुद ही सब समझ जाए। तो इस मंथ में बहुत कुछ ऐसा होगा जब आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा कहें, बट वो कहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही। सामने से आपको सपोर्ट मिल रहा है, सामने से आपको हेल्प मिल रहा है। सामने वाला कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है, ये टाइम आपके रुके हुए कामों को गति मिलने का टाइम है। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम रहने वाला है, बहुत ही डिवाइन ये टाइम रहने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जहाँ आपको सफलता के लिए दूसरों का मुँह देखना पड़ा था, ठीक है। कि आपको सफलता के लिए किसी की, कहते हैं ना कि जी हजूरी करना, या किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, किसी के सर, आपके सर पे मतलब किसी का हाथ नहीं था, ठीक है। तो इस मंथ मुझे इस तरीके का सपोर्ट भी दिख रहा है। थोड़ा सा आपकी जो कहते हैं ना स्पीड मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में थोड़ी कम थी काम को लेकर, तो इस मंथ में स्पीड में भी इजाफा होगा। ऐसा मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा गाइडेंस भी मिल रहा है। कुछ कैलमिटीज़ हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी पिछले कुछ समय में जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, वो आपके लिए थोड़ा कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड होने के साथ साथ दुखदायी भी थी, दुख देने वाली चीज़ें थी, जिसकी वजह से आप करंट सिचुएशन में फील कर रहे हैं फिलहाल, जो आप जब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि मैं क्या करूं। आपके सामने दो रास्ते हैं, ये करूं या वो करूं। तो वो जो दो रास्ते मुझे आपको दिख रहे हैं, उस दो रास्तों की वजह से आप आने वाले दो हफ्तों में, जो मैं अक्टूबर मंथ के लिए बता रही हूँ, आने वाले दो हफ्तों में ये जो आपका टाइम रहने वाला है, इनको आप दो मंथ, दो हफ्ते भी कह सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में ये अक्टूबर से स्टार्ट होकर आने वाले दो महीने भी हो सकते हैं, आने वाले टू मंथ्स भी हो सकते हैं। तो ये जो टू मंथ्स रहेंगे या टू वीक्स रहेंगे, इसमें आप जो ये कहते हैं ना कि
बीच में लटके हुए हैं, काम बीच में अटका हुआ है, या आप फील कर रहे हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो जो ब्लॉकेजेस है ना वो हट जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिलहाल तो ये मुझे प्रॉपर मैसेजेस थे तो मैंने देख लिए थे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, चूँकि ये बहुत ऐसा समय चल रहा है, ये टाइम ऐसा है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, और हमें किसी पर भरोसा करने जैसा कहते हैं ना कि वो उत्साह नहीं रह गया, साहस नहीं रह गया। रीज़न बीइंग कि जो पाइल वन है, पाइल वन की मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है अपनों के ऊपर, उन्होंने अपनों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को डिवोट किया है। अगर कहते हैं ना कि वो हर तरीके से समझदारी से चले, उन्होंने दूसरों के लिए लाइफ जिया, अगर उनने अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया लेकिन दूसरों के लिए नहीं किया, फैमिली भी हो सकती है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके लिए उन्होंने आगे बढ़ के काफ़ी हेल्प किया, लेकिन यही रिलेटिव्स, यही जो उनके अपने लोग हैं, उनमें से मुझे कुछ लोग इनको अंदर ही अंदर कहते हैं ना, इनकी बिचिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग इनको ट्रबल कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ये वो लोग हैं जो इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। इसीलिए पाइल वन आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अकेले आगे बढ़ने की हेल्प मतलब कोशिश कर लीजिए। आप चाहेंगे हेल्प मिलेगी तो नहीं मिलेगी, हेल्प तब मिलेगी जब आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके घर में ही आपके दुश्मन दिख रहे हैं जो आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं हैं। चूँकि आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं तो आप बच रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स के चलते बच जरूर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप इन लोगों को पहचान सकें और अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाइए। आपको किसी को अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से सामने वाले पूछेंगे आपसे, लेकिन आपसे वो कितना भी पूछें आप उनकी पर्सनल लाइफ जानने की कोशिश कीजिए, ना कि आप उनको अपने बारे में बताइए, बिल्कुल मत बताइए, ठीक है। किसी को भी आपको यूज़ मत होने दीजिए, और टाइम और मनी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है। इस मंथ का आप पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ना तो अपना समय किसी पर नष्ट करें और ना ही अपना पैसा किसी पर नष्ट करें। किसी से उधार बिल्कुल नहीं लेना है और ना किसी से को उधार आपको देना है, देना तो बिल्कुल ही नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपका मन है डोनेट करने का तो आप कर सकते हैं, आप अच्छा काम कीजिए, लोगों को डोनेट कीजिए, ये सब आपके लिए अच्छा है। किसी मंदिर में अगर आप मस्जिद जाते हैं तो वहाँ चर्च या जहाँ भी आप जाते हैं जिस भी धर्म के, वहाँ जाके आप कुछ चढ़ा के आ जाइए, किसी को कुछ हेल्प कर दीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं अपने एंजल के रूप में, अपने गाइडेंस जिनसे लेते हैं ना, कोशिश कीजिए कि आप उनके दर्शन करने जरूर जाए कीजिए। देखिए, मंदिर हमारे घर में भी होता है, मन में भी मंदिर है, लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो पॉजिटिविटी होती है, वहाँ का जो ऑरा होता है, वो आपके अंदर नेगेटिविटी को वहीं रिलीज़ करके आपके साथ में ढेर सारा एबंडेंस, ढेर सारा कहते हैं ना कि आशीर्वाद, ढेर सारा पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर भर के भेजते हैं भगवान, जब भी आप जाते हैं मंदिर में या मस्जिद जहाँ भी। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, आप समझिए, अपने साथ के लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। मुझे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है, ये देखिए, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया, कहीं ना कहीं आप अगर स्टूडेंट हैं तो क्लासमेट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। अगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो लैंग्वेज सीख लीजिए, कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब आपको करना है। और पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नंबर वन और नंबर सिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समवॉट थ्री नंबर भी, तीन नंबर भी दिख रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन इज़ गुड फॉर यू एंड यू जस्ट नीड टू यू नो बिकम अ वेरी स्पीडी पर्सन फॉर दिस मंथ। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने अंदर वो करेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहते हैं ना कि चीज़ें लेने की कोशिश करें, ग्रेस्प करने की चीज़ कोशिश करें, ना कि उनको अपनी बातें बताएं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट ग्रुप नंबर वन, यानी कि पाइल नंबर वन। और हम एक लास्ट मैसेज और देख लेते हैं एंजल का, हाँ देख लेते हैं कि एंजल्स आपको प्रॉपर क्या मैसेज दे रहे हैं वन टू वन। मैं एक एक निकालती हूँ, ओके ठीक है। देखिए, दो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को एंजल्स का ग्रुप वन के लिए, फिर से करेज आया है, इसमें मैं दिखा देती हूँ, मेरे को लगता है प्रॉपर, हाँ
क्योंकि इस मोड में है तो आपको उल्टा दिखेगा। बट करेज लिखा हुआ है, करेज का मतलब है कि आपको करेजियस होना है, अपनी बात कहना सीखना है। एक बात हमेशा देखिए, अपने आप के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है इस मंथ में, और अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड अप हो जाइए, ठीक है। यू जस्ट नीड टू स्टैंड अप फॉर योर ओन बिलीव्स। एंड अनदर थिंग इज दैट नर्चर योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ एंड योर केयर्स एंड वट एवर आपके फैमिली में जो भी लोग हैं उनको नर्चर करने की कोशिश आपको करनी है। अदर देन दैट आपको किसी को भी नर्चर नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने अंदर के चाइल्ड को भी नर्चर करते हैं आप बहुत खुश रहने वाले हैं। मैच्योरिटी से बाहर आके जीवन को जीना स्टार्ट करना है, ओके। एंड ये दोनों ही एक्टिविटीज़ इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिएगा, फिर मुझे नेक्स्ट मंथ बताइएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर विद योर ऑल लव्ड वंस जिनको इस समय ये जानने की ज़रूरत है कि आप उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, ओके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, सो आई लव यू सो मच पाइल नंबर वन। अब हम जब देख लेते हैं ग्रुप नंबर टू यानी कि पाइल नंबर टू के लिए क्या मैसेजेस आए हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। हेलो ग्रुप नंबर टू, जिन भी लोगों ने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, दिस इज़ ग्रुप नंबर टू, आप अपना ग्रुप देख लीजिए और इसके साथ हम देख लेंगे कि आपके लिए आने वाला अक्टूबर कैसा रहने वाला है। हम कार्ड्स, मैसेजेस, ओरेकल डेक्स सब कुछ देखेंगे, एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, सो ग्रुप नंबर टू, फाइनली ग्रुप नंबर टू ने भी काफ़ी दिन पेशेंस रखा है। इतने दिन पेशेंस रखने के बाद ग्रुप नंबर टू, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी अ ब्लास्ट फॉर यू, बिकॉज आपके लिए बहुत ही अच्छे रूप में, अच्छी तादाद में अबंडेंस मुझे दिख रही है। अब अबंडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कई मायनों में मेज़र करते हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लेसिंग्स आपकी रुकी हुई थी, ठीक है, जो कहते हैं ना कि जहाँ से आपको लग रहा था कि मुझे क्यों इतनी सारी हेल्प, इतनी सारी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, इतनी मदद कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। इतना करने का, नॉर्मल लोग तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। ये जो आपका माइंड क्रश हो रखा था ना, बहुत बुरी तरीके से आपके विचारों ने आपको क्रश किया हुआ था ना, वो ये टाइम है जब आपके विचार ना आपको बताएंगे कि ये तेरे पिछले किए हुए कामों का इस समय तेरे को फल मिल रहा है। तो आपकी जो पुरानी मेहनत थी उसका फल आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। लव्ड वंस आपके बहुत ही आपके नियर डियर होने वाले हैं। अगर आपका कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा था लव रिलेशनशिप्स में, आपकी मैरिड लाइफ में, पार्टनर के साथ आने वाले कुछ समय आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। और हो सकता है जब ये वीडियो देखें तो आपको इस वीडियो को देखने के दो दिन के अंदर कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो। कहीं ना कहीं मुझे ये दो हफ्ते आपके और दो दिन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ दो दिन में ज़रूर होगा। हो सकता है डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस दें, आपके साथ कनेक्ट हो, कहीं से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले कि आपका ये काम हो रहा है, ब्लेसिंग्स मिले। और मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर टू ने किसी नीडी पर्सन को, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाया था, ऐसा खिलाया था कि उसने इनको ब्लेसिंग्स दी थी। तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं, भले ही वो एक इंसान हो या दस लोग हों, ये जो आपका अन्नदान का काम था वो आपको इस समय आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि हम छोटा काम कोई भी हो नहीं होता, अगर आप कोई भी हेल्प करते हैं किसी की, छोटी से छोटी भी हेल्प करते हैं ना, और अगर उसको समय उसकी बहुत ज़रूरत है, तो कहते हैं ना कि अगर एक रुपये की ज़रूरत किसी को है और आपने 5 रुपये दे दिए तो उसके लिए तो छप्पर फाड़ के हो जाएगा। तो उसकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उसकी हम उसको मेज़र नहीं कर सकते और मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती। तो ग्रुप नंबर टू के साथ इस समय मुझे वही लग रहा है। कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर टू, आप अपने आप के लेवल को अप कीजिए। अभी जो आपका लेवल है ना, जो अपने आप को आप एस्टिमेट करते हैं कि आई जस्ट बिलोंग टू हेयर और देयर, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली। अपने आप को अप रखिए, दूसरों से ऊपर रखिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए। आप दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे हैं ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में इंस्पिरेशन की कमी है, तो वो जो इंस्पिरेशन है उसको लेकर आइए। आप इंस्पिरेशन
कैसे लेकर आएंगे, आप अपने रूम को इंस्पिरेशनल कर सकते हैं, इंस्पिरेशनल दोस्तों से मिल सकते हैं, दोस्ती ऐसे लोगों से कर सकते हैं जो इंस्पिरेशनल हो, आपको मोटिवेट करते हो। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो वहाँ से ले सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया। इंस्पिरेशन की आपको ज़रूरत है, अपने रूम को भी ऐसा क्रिएट कीजिए ना कि आपको उस रूम में रहने मज़ा आए, कुछ भी देखें, कहीं भी निगाह जाए तो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे रूम है, ये मेरी जगह है, ये मेरा कॉर्नर है, एंड आई एम फीलिंग वेरी मच डिवाइन। सो यू नीड टू फील वेरी डिवाइन दिस टाइम, एंड दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये मंथ आपके लिए गोल्डन मंथ जाने वाला है, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से जहन में बिठा लीजिए। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ हैं। आपके अंदर एबिलिटीज़ नहीं होती तो बात ही नहीं थी, बट आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आपने डिवाइन से कनेक्ट रहे, आपने वो ऊपर वाले को नहीं भूले, आप उसको साथ लेके चले। बस यही एक चीज़ है जो आपके अंदर बहुत डिफरेंट है, बहुत ही शांति से बिल्कुल पीस में रह के आपने चीज़ों को ट्रैक पे आने का इंतज़ार किया, ट्रैक पे लेकर आए, ठीक है। इसका रीज़न है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। अच्छा हाँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपका कट ऑफ होगा इस मंथ में, क्लियर कह रही हूँ ये बात। कुछ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में आपको इस मंथ में कुछ खुलासे होंगे, ऐसे खुलासे होंगे जो आपके अंदर से आपको मालूम चलेगा कि ये है तो मेरे साथ, हकीकत यह है कि भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके सामने आपके हैं लेकिन पीछे आपके लिए क्या कह रहे हैं आपको नहीं पता। कई बार होता है कि हम लोग जो लोग एक्चुअली डिवाइन होते हैं ना, वो बहुत क्लियर बात करना पसंद करते हैं ना, तो ये लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते, और चूंकि मैनिपुलेट नहीं कर पाते तो लोग इनकी बातों को, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कोई बात और उससे सजेशन ले रहे हैं, पर वो जो सजेशन है उसने आपसे ले लिया और आपने उसको दे दिया, उसने आपके अंदर की बात निकलवा ली, और उस बात को मुझे लग रहा है कि वो कैसे तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने मैनिपुलेट करके रखेगा। सारा का सारा जो कहते हैं ना, चीज़ें आपकी उलट के आपके ऊपर रख दी जाएंगी, इस मंथ में ऐसा भी होगा। तो ऐसे जो चीज़ें रख दी जाएँ आपके सर पर, घबराना नहीं है, ऊपर वाले पर भरोसा रखिएगा। आपको किसी को सफाई नहीं देनी, जब आपका समय आएगा माता रानी उनको पटक पटक के उनकी पिटाई लगाएंगी। आपके साथ उस डिवाइन की ऐसी पावर होगी कि उनकी पर्सनल लाइफ जो अभी लोग आपको तंग कर रहे हैं वो मुझे ख़राब होती हुई दिख रही है। आने वाले कुछ समय में इन लोगों की लाइफ में ख़राब समय आ जाएगा, और उनके कर्मा जब ख़त्म होंगे अच्छे, ठीक है, तो उनका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, और आपके कर्मा तो वो धूल ही रहे हैं आपके, जो नेगेटिव लोग आपके साथ रहे हैं अभी तक, तो आपका समय अच्छा आएगा। ये नेगेटिव लोग हैं आपके पास, आई जस्ट सजेस्ट यू, क्लियर कर रही हूँ ये चीज़ कि इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। ये वो लोग हैं जो आपको लगता है कि आपको प्यार करते हैं, आपको सुनते हैं और आपसे घंटों बात करते हैं, पर हकीकत ये आपके साथ नहीं है ना, वो आपको प्यार करते हैं। ये लोग कौन है ये आपको चूज़ करना है, आपको जानना है, इनको निकालिए अपनी लाइफ से बाहर, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस मंथ में आपको चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे अंतर मन में जो आपके द्वंद्व चलते रहते हैं ना, प्रॉब्लम आपको लगता है ये है वो, उस सारी चीज़ों के सोल्यूशन आपको अक्टूबर मंथ में खुद ब खुद मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे लव लाइफ की हो, चाहे पैसे से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, फैमिली से रिलेटेड हो, कहीं घूमने जाने का मन है, घूमने नहीं जा पा रहे, लिंगर ऑन हो रही हैं चीज़ें, घूमने भी चले जाएंगे, प्लान बना लेंगे इस महीने, सोल्यूशन खुद ब खुद मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ब्लेस्ड हैं या नहीं, यू आर वेरी मच ब्लेस्ड इन दिस मंथ। अक्टूबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ओरेकल डेक से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड फॉर ग्रुप नंबर टू, थैंक यू। जब लोग दिख रहे हैं जो माता काली को बहुत मानते हैं, ऐसा लग रहा है पैशन के साथ मानते हैं, पूजा वूजा नहीं करते लेकिन मन में एक श्रद्धा है काली माँ को लेकर, बड़ा ज़बरदस्त पैशन है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ग्रुप नंबर टू, ठीक है। पैशन का कार्ड आया है, एंजल्स आपको पैशन का ये दे रहे हैं मैसेज। तो पैशन के लिए एंजल्स का गाइडेंस है, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड कैरियर। देखिए कैरियर और लव लाइफ दोनों में ही आपको पैशन रखना है, डिवाइन से मांगना है, और मांगेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप पैशनेट हैं, बट जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज क्या आ रहा है, टेक बैक योर पावर। जो ये आपके दुश्मन है ना, अगर आप पे हावी होने की कोशिश करें, आप अपनी पावर से उन पे अटैक कीजिए, उनसे इस समय का यूज़ करना है आपको। आपको किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होंगी। जो लोग ख़राब हैं उनकी लाइफ ख़राब होगी, और आप अच्छे हैं आपकी लाइफ अच्छी होगी ही होगी। सो ग्रुप नंबर टू आपको लिए मैं यही कहूँगी, आपकी जो स्पिरिचुअल साइट है इस समय कहीं ना कहीं
मुझे अवेकनिंग दिख रही है आपकी लाइफ में, अवेकन होते हुए चक्रास आपके दिख रहे हैं, कुछ कुछ आपको गाइडेंस भी मिलेगा, हेवनली लव आपके साथ चल रहा है। तो जो हेवनली लव है ना, उसके लिए आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है, अपने जो भी एंजल्स हैं उनको प्रे करते रहिए और मांगेंगे तो ही मिलेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर टू, आपके लिए मुझे लकी नंबर्स दिख रहे हैं, 2 and 11। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी दिख रही है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है। और आप मुझे पार्टी करते हुए बाहर जाते हुए भी दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें, पार्टी भी दिख रही है आपकी लाइफ में मुझे अक्टूबर में, और आपके बाहर घूमने का जो सपना है वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा प्लान बनता है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इन कॉमेंट। ओके, एंड ये थी ग्रुप नंबर टू की रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम चलते हैं ग्रुप नंबर 3 यानी कि पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन भी लोगों ने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 3 है ये, तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं अक्टूबर में, क्या एंजल्स के उनको गाइडेंस आने वाला है। चलते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए रीडिंग के लिए। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3 की कार्ड सफल भी नहीं हुए उसके पहले मुझे एक मैसेज आ रहा है मन में। ग्रुप नंबर 3, आपके लाइफ में ना फ्रेश स्टार्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को फ्रेश स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय मुझे फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है और डबल फेसड लोग दिख रहे हैं जिनके दो चेहरे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, देखिए पहला कार्ड आ गया है डबल फेस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोग हैं ना आपको कुछ कह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ये आपके अपने हैं बेसिकली। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कोई फीमेल भी है जो काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व है, ठीक है, और उन्होंने आपके अगर फैमिली का ये बंदा है या बंदी है तो उन्होंने किसी एक मेल मेंबर को भी इंक्लूड करके रखा हुआ है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी आपके लिए हो रही है और इन लोगों को के दो चेहरे आप नहीं देख पाए हैं। इस मंथ के एक आध हफ्ते गुजर जाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा मेरी बात, ठीक है, गौर कीजिएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं मुझे आपको जो कहते हैं ना बुद्धू बनाते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बुद्धू हैं, सीधे हैं, बहुत हम्बल हैं, आपका इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप इन लोगों को पहचानिए, जानने की कोशिश कीजिए कि ये लोग आपके लिए क्या आगे गेम प्लान कर रहे हैं, क्या आपके साथ कर रहे हैं लाइफ में। बहुत ज़्यादा बिचिंग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग ट्रस्टवर्दी तो बिल्कुल नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, शायद इसलिए कि इनको आपकी लाइफ में आपके हिस्से का कुछ सक्सेस चाहिए थी, आपके हिस्से का कुछ पैसा चाहिए था, तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं। और थोड़ा इनके मन में ना आपको लेके जो डाउट्स थे ना, वो डाउट्स आप क्लियर कीजिएगा इस मंथ। मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे इस मंथ में ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा करेज रखने की ज़रूरत है। अगर आप करेज रखेंगे तो बहुत सारी बातें कह पाएंगे। देखिए फ्रेश स्टार्ट तभी होगा जब आप करेजियस होंगे। दिल में इतने सारे तूफान चल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लाइफ में, आपको लग रहा है कि जहां आपको स्टैंड करना था आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं, वो जगह पे तभी पहुंचेंगे जब आपको दिल में शांति होगी, दिमाग में शांति होगी, दोनों जगह उथल पुथल चल रही है। योगा ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समय पाइल नंबर 3 के लिए योगा या फिर मेडिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने आप के लिए, अपने आप को देश मान के आगे, अपने लिए लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने लिए बोलना स्टार्ट कीजिए, जर्नल लिखिए, अपने आप के लिए कुछ ऐसे रिचुअल्स कीजिए जो रिचुअल्स आपको सक्सेसफुल करें। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, आप देखिएगा कैसे आपको आगे बढ़ना है। अपने कुछ लोग मुझे लगता है लिखने के शौकीन दिख रहे हैं पाइल नंबर 3 में, तो ग्रुप नंबर 3 अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो लिखिए। कुछ लोग अगर इतने भी टैलेंटेड हैं कि किताब लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, तो लिखिए आप। आप कुछ समय ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप मींस कीजिए, क्योंकि आपको अपने है ना ये कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है इस मंथ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग जो लेट गो का बिहेवियर था ना वो अपनाया नहीं था, इस मंथ में आपका लेट गो का बिहेवियर आपके अपने आप जाएगा। जैसे जैसे इन लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा ना, ये 2-3 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन लोग 2-3 लोगों का चेहरा आपके सामने आते ही आप लेट गो का बिहेवियर अपनाने लगेंगे, क्योंकि आपको इनसे चिढ़ नहीं होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इनको इग्नोर मारिएगा, समय के साथ इन लोगों की कहते ना तरक्की रुक जाएगी और आपकी तरक्की स्टार्ट होगी, ऐसा ही होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बुरे बुरे ही रहते हैं और अच्छे अच्छे ही रहते हैं, ठीक है। पास्ट में जो हो चुका उसको पूरी तरह से भूल जाइए, फिर कह रही हूँ फ्रेश स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये समय है आपका, ठीक है।
अच्छा, अगर कोई लोन वोन चल रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि इस लोन को आप जल्दी चुकाइए, तभी आप मतलब आपके कहते हैं ना कि फिजिकली और मेंटली आप थोड़ा टेंशन फ्री रह पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि स्विमिंग वगैरह कुछ ज्वाइन करना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए आप, कुछ स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए, कुछ सीखिए, मीन्स कुछ भी सीखिए, वहाँ से आपको पॉजिटिविटी आएगी, जो आपके अंदर का डर है वो निकल जाएगा, लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, तो एक कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल की आपको ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स में आपने बड़े धोखे खाए हैं, तो ये जो मंथ है रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो लोग आपके जिनके चेहरे आपके सामने आएंगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ में एक या दो लोग ऐसे हैं जिसमें से एक तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए संपूर्ण होगा, बस उसको एक लेके चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। विरक्त होने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे विरक्त होंगे लाइफ में आपको समझ में आएगा कि ये मेरा गोल है, मुझे इस गोल तक पहुंचना है, मुझे ऐसे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में आपने बहुत परेशानी उठाई है, इसलिए मुझे ये चीज़ आपके लिए दिख रही है। द क्रिएटर का कार्ड है, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड, देखिए आपके लिए क्रिएटर का कार्ड मुझे ये कहता है कि आप जैसे जैसे ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, आपके अंदर की जो भयानक वाली ऊर्जा, जो किसी को नहीं पता कि आप इतने हम्बल हैं, इतने शांत हैं, आप तो बुद्धू, आपको लोग कई सारे लोग बुद्धू समझ रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, हकीकत ये कि उनको नहीं मालूम कि आपके अंदर विस्फोटक ऊर्जा है जो सबका नाश कर सकती है ना। हनुमान जी के भक्त भी लग रहे हैं मुझे, ग्रुप नंबर 3 वाले। चलिए, तो आप क्रिएटर हैं, अपनी एनर्जी को खुद क्रिएट कीजिए, अपनी सक्सेस को खुद क्रिएट कीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के लिए ये मंथ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, आपकी जो कहते हैं ना पर्सनल लाइफ, आप इंटरनली अपने आप को चेंज कर पाएंगे और इस डिवाइन से, इस ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। आप लोगों के जो एक कहते हैं ना कि विशुद्धि चक्र खुलने की ज़रूरत है, और दूसरा आप लोग के जो हार्ट चक्र है वो भी ब्लॉक दिख रहा है मुझे, तो इसके लिए भी ध्यान लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। नाभि चक्र आपका इस मंथ में कहीं ना कहीं मुझे अवेकन दिख रहा है, अवेकन होते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा आपको अभी तक की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया भी है कि इससे आपके इस लाइफ में नेम फेम और पैसा सब आएगा, और जो नेगेटिव लोग हैं जो आपको अभी आपको जिनके चेहरे नहीं दिख रहे थे अपने आप आपको दिखेंगे, अपने आप ये लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस में साउथ डायरेक्शन को इस समय आप अवॉइड कीजिएगा, साउथ के अलावा तीनों डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 18 अच्छे हैं आपके लिए, आप इसके लिए कहते हैं कि ये लेमन येलो कलर अच्छा रहेगा। ट्यूसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हनुमान जी के भक्त हैं कोशिश कीजिए कि आप हनुमान जी से डिवाइन से उस डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ, या आप कुछ किसी को नहीं भी मानते हैं तो भी आप डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए ध्यान लगाइए। तो मैं जो कई सालों से बचपन से जो ध्यान लगा रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, कभी मौका मिला तो मैं आप लोग को ऑनलाइन करवाऊंगी, ठीक है। सो ये था ग्रुप नंबर 3 के लिए, हमारे को जो टैरो से मैसेजेस आए थे वो थे, अभी हम एंजल्स के प्रॉपर मैसेजेस क्या हैं ये हम ग्रुप नंबर 3 के लिए देख लेते हैं। जो भी मैसेज आएंगे एक या दो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच। सो ग्रुप नंबर 3 देखिए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आने का मतलब है, फिर से कह रही हूँ, मैं अभी बात कर रही थी डिवाइन की ना, मेडिटेशन की इसलिए कर रही थी। उसे मैसेज आया है, आई एम ब्रिंगिंग यू इन्फॉर्मेशन एंड सिंबल्स एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। स्पिरिचुअल ट्रुथ्स आपको तभी मालूम चलेंगे जब जैसे ही आप गहन ध्यान में जाएंगे। गहन ध्यान में इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इस मंथ में स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ये मंथ बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। इस मंथ में आप डिवाइन से ऐसे कनेक्ट होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। इस मंथ में अगर उस डिवाइन से कनेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, लोगों से कनेक्ट होगे। अगर आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो लोग खुद ब खुद आपसे कनेक्ट होंगे, अगर आप लोगों से कनेक्ट होंगे तो डिवाइन से कनेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो अच्छे दिखें तो अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए। सो इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के अलावा एंजल्स का और क्या मैसेज है मैं ये भी देख लेती हूँ। आई हैव वन अनदर कार्ड, आउटडोर्स, यस, ये तो बहुत ही अमेजिंग मैसेज है। प्लीज़ आप आउटडोर में जाइए, आउटसाइड जाइए, लोगों से मिलिए। फ्रेश स्टार्ट करना है तो फ्रेश एयर लीजिए, नेचर में बैठिए, वहीं ध्यान लगाइए, कनेक्ट विद नेचर, ठीक है। इसमें आ रहा है जो मैं आपसे कही हूँ अभी, कनेक्ट विद नेचर, या आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगा, आपको नई चीज़ें आएंगी, नए मैसेजेस आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, और आप बहुत क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगा ये आपका जो ये रूटीन होगा आउटडोर में जाने का ये, ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्रिसाइज और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, क्या पता अक्टूबर मंथ से ही आपके लाइफ में यू टर्न आ जाए, है ना। सो ग्रुप नंबर 3, डोंट वेस्ट योर टाइम टू इंडल्ज इन योर पास्ट में जो हो चुका उसको भूलिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। सो आई विश यू गुड लक, और अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आता है मैं सभी को कहूँगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू नेवर नो कि ब्लेसिंग्स कहाँ से कहाँ पहुँचें और आपको किसकी ब्लेसिंग्स मिले और किसकी लाइफ में चेंज आ जाए।
ठीक है, जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब देन इट्स नॉट गुड फॉर मी एंड यू एज वेल। ट्राई टू सब्सक्राइब विद द बेल आइकन सो दैट यू जस्ट गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल द वीडियोज। गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू गाइज, ओम साई राम, जय माता दी।